हूँ मैं स्वाति और आइए नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। यूपी के वाराणसी जिले के मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत बेनीपुर ग्राम सभा में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र राजभर के लिए वाराणसी में मांगे वोट और उनसे बात करने पर पता चला कि 23 को पता चल जाएगा कि भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन तोड़ने पर उन्हें कितना नुकसान हुआ है। वाराणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मंत्री जी, भाजपा वाले कह रहे हैं कि सुभाषपा नेता आने से कोई फर्क नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, 23 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि 23 तारीख को जब गिनती होगी तो मालूम हो जाएगा क्या होगा और कुछ? जो आरक्षण नहीं दे सकता जी, शिक्षा में सुधार नहीं ला सकता जी, जो नौजवानों को रोजगार नहीं दिला सकते, तो वो किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? उनका कहना है कि सुभाषपा के नेता के आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई उनको कहाँ फर्क है, उनको फर्क कहाँ है? जब तो सरकार चली जाएगी तब फर्क आएगा। धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर की है सानी, अब दूसरा परेशानी भाजपा के सामने आए, भाजपा के सामने आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर के लिए लाइन है, और सुरेंद्र राजभर प्रत्याशी महोदय शिवलाल यादव अभर बच्चे सिद्धार्थ राजभर बैठे हैं, माननीय हमारे विधायक सेवापुरी, राजेंद्र पटेल विधानसभा अध्यक्ष रोहिणिया, माननीय मंत्री जी का क्रमशः लोग जो है स्वागत कर रहे हैं, माननीय विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव जी, राजेंद्र पटेल जो है उनके बीच में बहुत बहुत बधाई के पात्र है। एक दूसरे मंत्र बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फुलचंद राजभर जी, मैं इनका तहे दिल से स्वागत। अमरनाथ पटेल जी, एक बच्चे साहब संजय राजभर जी, स्वागत करिए इनका। अमरनाथ पटेल जी, हम लोग के बीच में हमारे ओला कैब ड्राइवर की हुई सनसनीखेज हत्या का हुआ खुलासा, घटना में शामिल सभी 3 अभियुक्त गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त चाकू व मृतक का एक मोबाइल फोन, बुक की गई ओला कार बरामद। जी हाँ, कुछ अज्ञात रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज मंसूर अहमद की ओला बुक कराया था। सुबह तक मंसूर अहमद के पास मोबाइल से भी संपर्क न होने पर परिजनों ने थाना कैंट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी क्रम में आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ओला कैब ड्राइवर की हत्या करने वाले अपराधी चौफटका के पास मौजूद हैं तथा कहीं बाहर भागने की फिराक में हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराते हुए उनकी टीम के साथ तत्काल आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। अंतर्गत ये एक घटना हुई थी जिसमें ओला कैब ड्राइवर के साथ सनसनीखेज हत्या करके उसमें जितने उसकी बॉडी को कहीं छोड़ दिया गया था, झाड़ियों में फेंक दिया गया था, इस घटना का आज खुलासा किया गया है। हत्या में प्रयुक्त चाकू, एक अदद मोबाइल फोन, बुक की गई ओला कार, डेड बॉडी और इसके साथ साथ जो घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल है वो भी बरामद की गई है। ये 3 अभियुक्त हैं, निखिल सेन, मुकेश कुमार और अजीत सिंह। इन सभी की एज 20-21 साल के आसपास है और इन्होंने इसको ड्राइवर को मार करके लूटने की योजना बनाई थी। बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पे क्राइम वाले हैं इन्होंने इसको, जो एक व्यक्ति मुकेश था वो पीछे बैठा था जिसने गले में फंदा डाला था, और आगे जो निखिल सेन थे और दूसरा साहिल था
इन लोगों ने रणधीर सिंह और साहिल इन लोगों ने इसके ऊपर चाकू से प्रहार करके उसे निश्चित कर दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को झाड़ियों में फेंक करके गाड़ी को लेकर के गए और गुलमनगंज के आसपास उसे छोड़ दिया। घटना में कुल मिलाकर इन्हें केवल 700 रुपये और 2 मोबाइल मिले थे। ये बड़ी ही घटना इस प्रकार की दुखद घटना है जिसमें एक छोटे से अमाउंट के लिए किसी एक व्यक्ति की जान ले ली गई और ये हमारे समाज को आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि कृपा करके इन घटनाओं के प्रति थोड़ा सजग हों और इस तरह की चीज़ों को बचाने में पत्रकारों के माध्यम से हमारा सहयोग करें। 700 रुपये के लिए हाँ मतलब लूट जो हुई है वो 700 रुपये और 2 मोबाइल फोन लेने के ये तभी के समाचार जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक। Life is not just about learning any special subjects or about getting command over any language. Life is about neither getting excellence in just arts nor becoming a great sportsman or being a technology savvy. Life is all about becoming the person who follows social responsibilities and culture along with his dream profession. The school which helps to create such brightest citizens of tomorrow is BNS School. BNS School, based in the cultural capital of India, Varanasi, and active since 1978, has a vision of building the school which will bring education, art, sports and culture together and instill them in the mind and soul of the students to build the leaders of tomorrow. BNS English School, Nariya, BHU and Kursato, Chaukhandi, Varanasi. Both are affiliated to CBSE, New Delhi. The school admits children from LKG to class 9th and 11th only after the child has been duly tested and found fit for. BNS School, a world-class school with a touch of Indian culture in its infrastructure and approach, is built by keeping in mind the needs of young minds while they are in school. You will feel the air and will get essence of future of your child when you enter in campus. The students who have talent and hunger to become a prominent personality have to be guided to become the person who is ready to face any challenge in his path. And there is no other place in the world other than school where he gets it. Every person who is working towards development of BNS School participates in meetings to develop plans to make curriculum better in terms of delivering the subjects to students. BNS School hasn't left out on extracurricular activities. The school provides platform for arts such as dance as well as for the athletic activities through various sports. Here, students get in-depth understanding of what they learn through unique ways of teaching, which brings miraculous inventions out of their imagination backed by knowledge. The students quickly adapt to the technology and practical knowledge they get from school. I'm studying in BNS English School, and BNS English School is one of the most famous school in Varanasi. Lab facilities, library facilities, audio-visual classes, smart classes for weak students has increased my confidence, and I feel too proud that I'm the student of BNS School, Kursato Chaukhandi. Students have command over the language to express their thoughts through any means of communication, be it verbal, non-verbal, or through drama and literature. Students of BNS are not only
better at learning any subject, but also working hard towards becoming caring person with assertive attitude while dealing with others. Students participate in social activities with enthusiasm. Students actively participate in cultural activities such as festivals as well as annual gatherings that take place in school and demonstrate their various talents through performance. In BNS campus, students have facilitated with hostel facility for those students who came long way in search of school for overall development or want to live in hostel to utilize facilities of school, which they cannot get at home. At the end of their school days, they become clearer in mind, caring in nature, assertive in attitude, and confident in personality, without forgetting their social responsibilities and culture. BNS School is based in the holy city of India and the oldest holy place in the world. It is working towards creating brightest citizens and leaders of tomorrow of this country. सदी में जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी से या तो इलाज संभव है या तो उससे बचाव, उसके बावजूद भारत जैसे मान्यता प्रधान देश में लोग कुछ बीमारियों को या तो लाइलाज मान लेते हैं या तो इतना गंभीर कि उसका अंत अब उनके जीवन के अंत के साथ ही होगा। और ऐसी ही एक बीमारी है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द एक ऐसी बीमारी है जो भारत में सामान्यतः 50 वर्ष के ऊपर के हर तीसरे व्यक्ति को हो जाता है। पहले तो मरीज उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन बाद में यही घुटने के दर्द की बीमारी मरीज को इस कदर परेशान कर देती है कि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद मरीज बिस्तर पर पड़े रहने के लिए बाध्य हो जाता है और यही मजबूरी उसे डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। अपने पूर्वांचल वासियों को यह बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि अपने बनारस सुंदरपुर में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो मेट्रोज की सारी फैसिलिटी बहुत कम खर्च में लेकर आया है। इससे पूर्वांचल के साथ साथ आसपास के प्रदेश के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। इन सब के पीछे गुणवत्ता, अति दक्ष टीम व अत्याधुनिक फैसिलिटी एक बहुत बड़ा राज है। आज हम आपको परिवार के तीन लोगों से व जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर कर्मराज सिंह से मिलाएंगे, जिससे आप मरीजों के साथ साथ डॉक्टर के अनुभव को भी जान लें। तो उदयराज जी, आप हमें बताएं कि घुटने का दर्द आपको कब से शुरू हुआ? 2004 में मेरे दोनों घुटने में दर्द प्रारंभ हो गया और तब से 2010 तक मैंने कई जगह दवा कराई। दिल्ली में गया, बनारस में कई एक अस्पताल में गया, लेकिन आयुर्वेद में, होम्योपैथ में सब जगह दवा कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और अंत में यहाँ डॉक्टर कर्मराज सिंह से संपर्क किया तो इन्होंने दोनों घुटने का ऑपरेशन करने को कहा और इस प्रकार 2 दिसंबर 2010 को मेरे दोनों घुटने का ऑपरेशन इन्होंने किया। तो उदयराज सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि ऑपरेशन के कितने दिनों बाद आपने प्रॉपरली चलना शुरू कर दिया था? ऑपरेशन के दूसरे दिन मुझे चलाया गया और 2-4 दिन के बाद जो है मैं अपने पैर पर चलने लगा और उसके बाद मैं बहुत इत्मीनान से चल फिर सकता हूँ, बिना छड़ी के चलता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। असल में घुटने के दर्द की बीमारी और भी अधिक गंभीर और खतरनाक हो जाती है क्योंकि इसके पीछे कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद मरीज चल नहीं सकता, ऑपरेशन के बाद मरीज अपने घुटने मोड़ कर नहीं बैठ सकता, 70 वर्ष की आयु के बाद यदि ऑपरेशन हुआ तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, और सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि एक साथ दोनों घुटने का ऑपरेशन नहीं हो सकता। 1996 में बास्केटबॉल ग्राउंड में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरा स्लिप होकर के, तब से मुझे मेरे गले में दर्द शुरू हुआ और
उस वक्त वो ऑपरेशन के लायक नहीं था। फिर मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट लिया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, कई जगह गया मैं और उसके बाद काफ़ी राहत मिली। लेकिन 2008 में दोबारा एक्सीडेंट हुआ, मैं स्कूटर से गिर गया और उसके बाद फिर वो मेरा कुल्हे का दर्द जो है धीरे धीरे ख़राब होता चला गया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बहुत ही झुक करके चलने लगा। मैं एक प्रकार से काफ़ी जिसको कहते हैं कि क्रिपल, मेरा एक पैर पर ज़्यादा बोझ आने लगा और मैं बहुत ही झुक करके चलने लगा तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी और धीरे धीरे मेरे दूसरे पैर में भी वो दर्द होना शुरू हो गया था। मुझे वाराणसी में एक अच्छे डॉक्टर, सर्जन और जो एक बढ़िया से बढ़िया हिप रिप्लेसमेंट जॉइंट का जो प्लांट है वो दे सकें, इसकी तलाश थी और उसकी तलाश में मैं डॉक्टर करमराज सिंह के पास ओमेगा हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां मेरी तलाश ख़त्म हुई। और ऑपरेशन के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं दूसरे दिन ही मैं खड़ा हो गया और सीधा हो गया और उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे कि एक महीने के अंदर मैं अपनी कार ड्राइव करके सारनाथ से अपनी फैमिली को लेकर के डॉक्टर साहब से मिलने आया। तो डॉक्टर पेमा, आप हमें बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आपको डॉक्टर कर्मराज सिंह जी से ही मिलना चाहिए? आपके पास कई ऑप्शंस थे, एज यू आर फ्रॉम एन एजुकेशनल सोसाइटी, यू नो वेल। या यू आर राइट, आई हैव मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड दे हैव सजेस्टेड मी, बट बिकॉज ड्यू टू सम प्रॉब्लम आई वॉन्टेड टू हैव माई operation here, and then in 2013 in May I have seen in paper an advertisement of Dr. Karmraj Singh, so I cut the paper that the advertised and kept with me. This way I started to find out who is Dr. Karmraj and how he is and what his qualities and all these things. तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको कर्मराज सिंह जी के बारे में पता चला? जी हाँ। What other options you were having? I mean, आपने क्या सीधे यही कंसल्ट किया? मुझे मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ने मुझे दिल्ली या और कहीं फॉरेन में ही ऑपरेशन करने के लिए सजेशन दिया, बट आई डोंट नो वट हैपन टू मी बिकॉज when I saw दिस एडवर्टाइजमेंट ऑफ डॉक्टर कर्मराज सिंह, that very day I had a feeling from inside that I should meet this doctor. There is something, a connection with me with this doctor. अगर वाराणसी जैसे शहर की बात की जाए तो पूरे पूर्वांचल में बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे है और ओमेगा हॉस्पिटल बनारस का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन किया जाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर कर्मराज सिंह जी से कि घुटने का दर्द आखिर होता क्यों है और इसके सफल इलाज क्या है। आज की हमारी वार्ता, हमारी बातचीत आपके साथ गठिया, उसकी भ्रांतियाँ, जोड़ पत्थर ऊपर से संबंधित, इसके बारे में हम आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। गठिया हमारे बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, परिवार की खुशी छीन लेता है, बुजुर्गों को लाचार कर देता है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप पूरी और अच्छी और सही जानकारी प्राप्त करें ताकि हम इस अभिशाप को दूर कर सकें। गठिया शुरुआती दौर में खाली थोड़ा सा दर्द पैदा करता है, दिक्कत करता है चलने उठने बैठने में, जो कि बड़े आराम से दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और कुछ खास बूट से ठीक हो सकता है। फिर थोड़ी सी और ये बढ़ता है तो दूरबीन विधि से अथवा सुई के तरीके से इसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इलाज करते करते एक समय आ जाता है जब हम गठिया को ठीक नहीं कर पाते दवाइयों से और सुइयों से और फिजियोथेरेपी से। इसकी वजह है कि जो परत है हड्डियों के बीच की, जो हमारी फीमर बोन है और टिबिया बोन है, वो आपस में इतनी घिस जाती है कि चलना दुश्वार हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, हम अपनी दैनिक नित्य क्रिया करने में असक्षम हो जाते हैं। ये जब गठिया अपने अंतिम रूप में आता है तो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। गठिया का इलाज जोड़ प्रत्यारोपण जरूर है, लेकिन जोड़ प्रत्यारोपण एक 101% एफिशिएंसी वाली, प्रिसिशन वाली सर्जरी है, जिसमें कि गठिया के लिए शल्य ऑपरेशन, गठिया के ऑपरेशन के तरीके को, गठिया में जो पार्ट लगने वाला होता है जिसको प्रोस्थेसिस कहा जाता है, और सर्जन व उसकी टीम
हर एक चीज़ 101% होनी चाहिए। अब कुछ भ्रांतियाँ जो गठिया के बारे में होती है, लोग कहते हैं ऑपरेशन कराने के बाद लोग चल नहीं पाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद लोग दूसरे दिन चलते हैं। हमारे साथ के कुछ मरीज हैं जो अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपनी कंडीशन सुना रहे हैं ऑपरेशन के पहले, और ऑपरेशन के बाद उनका कितना अच्छा रिजल्ट आया इसके बारे में वो बताते हैं कि वो सेकेंड डे से चलना शुरू किया, ये कैसे संभव हुआ, लेकिन संभव है। दूसरे दिन से उन्होंने चलना शुरू किया और आज 6 साल हो गए, 7 साल हो गए आज तक चल रहे हैं, और अब तो वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल रहे बिना दवा के। ये एक चमत्कार नहीं है, एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि ये चीज़ें संभव हैं। जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में एक आम सवाल होता है कि घुटना अगर बदलना है तो उसमें बदला क्या जाता है। जैसे एक भ्रम होता है कि जब घुटना बदला जाता है, लोग सोचते हैं कि ये एक घुटने का मॉडल है, लोग सोचते हैं यहाँ से हड्डी काट जाती, ये काट जाता, एक बड़ा सा घुटना फिट कर दिया जाता, ऐसा नहीं होता है। घुटने में जो हड्डी का जो पार्ट जो घिसा रहता है उसको खाली कैप की तरह नया लगा दिया जाता है, उसी प्रकार से नीचे की हड्डी भी कैप की तरह लगा दी जाती है। तो जो लाइनिंग ख़राब होती है घुटने की, बस उसी को बदला जाता है। मैक्सिमम हड्डी तो वैसे ही रखी जाती है, उसको नहीं हटाई जाती, खाली लाइनिंग बदल दी जाती है, और ये लाइनिंग जीवन भर चलता है। फिर लोगों का ये सवाल होता है कि कूल्हा प्रत्यारोपण में क्या होता है, उसमें क्या विधि की जाती है। तो कूल्हा प्रत्यारोपण में जो सॉकेट होता है उसमें जो हमारा प्राकृतिक सॉकेट होता है उसमें कृत्रिम सॉकेट डाला जाता है, और जो हेड टूट जाता है, घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी जगह एक कृत्रिम हेड डालते हैं, आर्टिफिशियल हेड और आर्टिफिशियल सॉकेट। ये एग्जैक्टली यही चीज़ की जाती है। यह आप देख रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल हेड है और ये आर्टिफिशियल स्टेम है जो कि जांघ के हड्डी के ऊपर भाग में से डाल दी जाती है, और यहाँ का नेचुरल बॉल जो प्राकृतिक हेड है उसको हटा दिया जाता है। उसी प्रकार से ये सॉकेट होता है जिसको कि ठीक किया जाता है, बदला जाता है, और ये ख़राब होने पे सॉकेट को हम लोग चेंज करते हैं। ये सॉकेट होता है जो कि अंदर डाला जाता है, इस प्रकार से ये इस पर लगा होता है और हमारा कूल्हा हर दिशा में वर्क कर पाता है। जब ये सॉकेट इसमें जाता है फिर इसी कूल्हे का ये मूवमेंट आप देखिए, ये बैठने की, ये खड़े होने की, ये अगर हम पालथी मारते हैं तो ऐसे है, और ये सब मूवमेंट हर दिशा में संभव है। तो इसको लार्ज हेड कहा जाता है, और इसमें यह है कि पेशेंट ज़मीन पर बैठ सकता है, इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ कर सकता है, साइकिल चला सकता है, गांव में काम कर सकता है, गाय का दूध रोज़ दूह सकता है, जो कि लोग कहते हैं संभव नहीं है, ये मिथ्या है, हर चीज़ पेशेंट कर सकता है। एक सबसे नवीनतम टेक्निक जो ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में आई है और कई पेशेंट्स ने कराया है, उसमें क्या होता है कि हम अब 100 डिग्री से हम 101 डिग्री से 102 डिग्री तक जा रहे हैं, यानी कि घुटने के परफेक्शन को हम चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं। बेटर देन परफेक्ट नहीं, वी आर ट्राइंग टू बी बेटर देन परफेक्ट। उसके लिए प्री प्लान का एक सिस्टम आया कि आपके घुटने का हम सीटी स्कैन करते हैं, उस सीटी स्कैन को अमेरिका भेजते हैं, 5 दिन बाद मॉडल बन के तैयार होता है, उसी के अनुसार घुटने को काटा जाता है और वो एक एक डिग्री एक एक मिलीमीटर सही होता है। तो दुनिया का सबसे उत्तम सबसे सर्वोत्तम जोड़ हम आपको दे पाते हैं जिससे उसकी लाइफ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर मनीष को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे टीम के ये एक अभिन्न अंग है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चलाना, फिजियोथेरेपी होना, एक्सरसाइज होना, इस चीज़ को रियलाइज़ कराते हैं, इस चीज़ को अचीव कराते हैं। तो डॉक्टर मनीष, आप ज़रा अपनी बातों को और अपने अनुभव को शेयर करें लोगों के साथ। ऑपरेशन के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका बहुत बड़ी होती है कि पेशेंट को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस मिलेना, उसके विश्वास को जीतना कि नहीं आप दूसरे दिन से आप चल सकते हैं।
कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकली उनको समझाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन के बाद बहुत ही डरा होता है, उसे लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ हम चल पाएंगे कि नहीं, खड़ा हो पाएंगे नहीं, लेकिन जब हम उसको पूरा कॉन्फिडेंस मिले कि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही हम उसको फिर से चलाते हैं, और ये कार्यक्रम धीरे धीरे होता रहता है, उसे कुछ दिन बाद एक दो दिन बाद पेशेंट लगता है कि हम आगे और क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। और हम लोग यहाँ पे पेशेंट को डिस्चार्ज के समय पाँचवें दिन पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग करा के उसके बाद घर जाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद फिर हम जब रिस्ट्रिक्ट रिमूव के लिए बुलाते हैं तो दो या तीन दिन कुछ पेशेंटों को 10% पेशेंटों को दो या तीन दिन रुकना पड़ता है, बाकी तो सब एक्टिविटी करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो नए जोड़ पर चलना उनको पूरी तरीके से नहीं आता, वो जैसे चलना चाहिए सही तरीके से वो चलना वो भूल चुके होते हैं अपने ख़राब जोड़ पे चलते चलते, इसलिए उसको गेट ट्रेनिंग कहते हैं, उसको कराने के लिए हमको दोबारा पुनः 10% पेशेंटों को एडमिट करना पड़ता है, बाकी लोग कर लेते हैं। ओमेगा प्लस हॉस्पिटल दोनों घुटनों का एक साथ प्रत्यारोपण करने वाला वाराणसी का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और डॉक्टर कर्मराज सिंह जो कि अब तक 200 से भी ज्यादा घुटनों का ऑपरेशन कर चुके हैं, ऑपरेशन की कुशल कला के अलावा अपने कुशल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हर मरीज ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में दर्द से कराहते हुए अन्य लोगों के सहारे आता है और मात्र 8 दिनों में मुस्कुराते हुए यहाँ से अपने पैरों पर चलकर जाता है। सही इलाज सही परिणाम, ओमेगा प्लस हॉस्पिटल, नेवादा, सुंदरपुर रोड, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7309373093। अरे यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज्वेलरी की शॉपिंग कहाँ से करूँ? सारे डिजाइनर शोरूम तो शहर में हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो तू शॉपिंग पांडेपुर से ही कर सकती है। मैंने अभी अभी अपनी शादी की सारी शॉपिंग हरे कृष्ण ज्वेलर्स पांडेपुर से ही की है। अरे भैया गाड़ी जरा लालपुर रोड की तरफ मोड़ना। जी हाँ, अब वरुणा पार के लोगों के लिए भी श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स लेकर आए हैं सोने चांदी और हीरे के डिजाइनर ज्वेलरीज लालपुर रोड पांडेपुर वाराणसी में। जी मम्मी, भैया की शादी की ज्वेलरी कहाँ से ले रही हो? वही तो सोच रही हूँ। क्यों, हरे कृष्ण ज्वेलर्स है ना, वो भी घर के पास महमूरगंज में ही, अब सारी मनपसंद ज्वेलरी वहीं मिल जाएगी, पूरे शहर की खाक छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स का नवीनतम शोरूम अब महमूरगंज वाराणसी में भी, सोने चांदी पर डिजाइनर ज्वेलरी का विशालतम शोरूम अब आपके बिल्कुल पास। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स की ट्रेडिशनल व डिजाइनर ज्वेलरीज अब आपके बिल्कुल पास, लालपुर रोड पांडेपुर एवं महमूरगंज वाराणसी में, जहां है आपकी पसंद के लेटेस्ट कलेक्शन, वो भी एक से बढ़कर एक। मैं हूं संस्कृति, मैं हूं आस्था, मुझ में है रिश्तों का एहसास, क्योंकि हर पल होता है कुछ खास, रखता हूं आपकी पसंद वो जेब का पूरा ध्यान, क्योंकि देव तुल्य है हमारा मेहमान। काशी की परंपरा का नया नाम रिदम रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट व्यंजन मतलब रिदम रेस्टोरेंट, शादी विवाह, बर्थडे व किसी भी तरह की पार्टी फुल्ली एयर कंडीशन लार्ज हॉल में कीजिए, मात्र 350 रुपए प्रति प्लेट की दर से। रिदम रेस्टोरेंट, केएलजी स्मृति भवन, दाऊजी उपवन, रथ यात्रा, वाराणसी। जरूर पधारें। क्या आप जानते हैं कि जिस मकान का नींव जितना मजबूत होता है उसे उतना ही ऊंचा बनाया जा सकता है, और जिस देश में जितने अधिक साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा देश को ताकतवर बनाए तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए एडमिशन कराइए। 40 वर्षों से वाराणसी के नंबर 1 कोचिंग पांडे कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित AMR बनारस पब्लिक स्कूल में बनारस के सबसे अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, पढ़ाई का आधुनिक तकनीक जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी सुविधा, स्वच्छ एवं हवादार कमरे, अभिभावकों को होमवर्क कराने का टेंशन नहीं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पर विशेष ध्यान, घर पर ट्यूशन और कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। आज ही आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं AMR बनारस पब्लिक स्कूल में, यहाँ पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूरी संतुष्टि मिलेगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम समाज से जातिवाद, धर्मवाद व संप्रदायवाद को समाप्त कर सकते हैं। AMR बनारस पब्लिक स्कूल, DLW कंदवा गेट के पास, परमहंस नगर, वाराणसी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पे एक बार फिर। उत्तर प्रदेश बिजनौर के थाना नांगल सोदी क्षेत्र में आज शांति एकता भाईचारे की बैठक सम्पन्न हुई,
जिसमें थाना अध्यक्ष विनोद कुमार त्यागी की अध्यक्षता में SSI विजेंद्र सिंह, SI विनोद कुमार, अन्य क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे तथा किसी प्रकार की कोई धार्मिक उन्मादता आदि क्षेत्र में न हो, रमजान का पवित्र त्यौहार शांति और सौहार्द पूर्ण भाव से मनाया जा सके। बिजनौर से हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। लोग हैं नागल के, और जिस तरह जो है किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता, कोई समस्या होती है तो बोल बैठ कर सुलटा लेते और हमारा सहयोग लेते हमारा सहयोग। और अब जो है रमजान का महीना चल रहा है, इस प्रकार सबके सहयोग से हम लोग होली का त्यौहार और चुनाव संपन्न हुए, इसी तरह रमजान का त्यौहार भी ईद का त्यौहार भी बड़े प्रेम पूर्वक सब मिलजुल कर संपन्न कराएंगे। हम लोग धन्यवाद सर, आपने अपना समय और क्षेत्र के लिए एक अच्छी उपलब्धि रही। मैं इस समय कुछ वक्ता हमारे पास में मौजूद हैं। आज नांगल थाने के प्रांगण में ये नांगल पुलिस के द्वारा शांति समिति रमजान और आने वाली ईद के संबंध में शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी वर्गों संप्रदायों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये डिस्कशन किया जा रहा है कि यदि कहीं कोई समस्या हो या समस्या कहीं ईद के दिन आने वाली हो तो वो उसको तुरंत बता दें, पहले ही बता दें ताकि वो पुलिस के संज्ञान में हो और पुलिस समय रहते उसका निस्तारण करा सके, और बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करना, उनके अंदर प्रेम सद्भाव की भावना को जागृत करने के लिए बैठक बुलाई गई है। धन्यवाद रुकन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय शांति समिति में काफी क्षेत्र से हमारे पास लोग आए हैं और मैं उनसे भी बातचीत करना चाहूंगा कि अपने समाज के जुड़े हुए जैसे कि एक सद्भावना प्रेम भाव बना रहा, और अभी हमारे पास बीच में कुछ प्रधान और क्षेत्रीय प्रधान भी मौजूद हैं। आप प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी प्रधान जी, आप कुछ सद्भावना संबंधित आप? अच्छा अच्छा जी, आप खड़े हो जाइए अपनी जगह, यदि आप प्रधान जी खड़े हो जाए जी, आप खड़े होकर बताएं। जी जी, आप खड़े यहाँ ही हो जाइए। जी जी, नहीं नहीं डिस्टर्ब नहीं होंगे, चलता रहेगा जी। आप अपना थोड़ा परिचय देंगे प्रधान जी? मोहम्मद यूनुस, पूर्व ग्राम प्रधान सबलपुर। जी जी, और इससे संबंधित आपके क्षेत्र में या कोई ऐसे कोई इस प्रकार का कोई भेदभाव या ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ कि लगता हो कि कुछ ऐसा कुछ हो? ऐसा नहीं, प्रशासन का काफी सहयोग है। हमारा क्षेत्र बड़ा शांति प्रिय क्षेत्र है, बस आपस में लोग सब मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाते हैं। चुनाव भी अभी हमारे बीच से निकल कर गया, बड़ा शांति प्रिय चुनाव हुआ और हमारे यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसा कि अशु साहब ने अभी बताया, अवगत कराया कि हमारे क्षेत्र में काफी और ये रहा तो प्रशासन काफी चुस्त है इस पर। जी जी बिल्कुल। हमारे अंदर एक कमी है कि हम अपने धर्म में लगभग अपने बच्चों को चर्चा नहीं करते, ये हम अपने स्वीकार करते हैं, वे अपने स्वीकार करते हैं, ये बताते हैं, ये अच्छी बात है, बतानी चाहिए, हमें बतानी चाहिए, परंतु जिस तरह से तोड़ मोड़ों का बात कही जाती है। समाचार आए कुछ खास खबरों के लिए बन रही है फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ, धन्यवाद।